मेरा सवाल यह है कि हर रकत में हम अल्लाह से हिदायत तलब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिल में ईमान की वो कैफियत नहीं है जो सहाबाए कराम के दिल में थी। सरकार, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उनको सहाबाए कराम को रसूलुल्लाह की सोहबत थी। मुस्लिम शरीफ में तो यहां तक हदीस है, एक सहाबी जो कहते हैं कि मैं मुनाफिक हो गया, रास्ते में हजरत अबू बकर मिले, उनका क्या हुआ, उनका जब हुजूर के पास बैठे होते हैं लगता है कि ये जन्नत और ये जहन्नम, घर जाके बीवी बच्चों में जब जाते हैं तो वो कैफियत नहीं होती। तो हजरत अबू बकर ने कहा ये तो हाल मेरे साथ भी है, सरकार अगर आपके साथ है तो घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। हुजूर के पास रोते धोते आए, या रसूल आप फरमाए हर वक्त तो ये हालत नहीं रह सकती ना, कभी ऊपर कभी नीचे, और अगर हर वक्त ये हालत हो तो फरिश्ते तुम्हारे से मुसाफा करें आगे, इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया नहीं है। फिर नबी इस्लाम की सोबत, आपकी मौजूदगी में भी सोबत और बाहर रहने में इतना फर्क था, तो आज तो हम मौजूदगी और गैर मौजूदगी वाला भी रोला नहीं है, गैर मौजूदगी है, तो जाहिर है कि उस लेवल का ईमान आपसे डिमांड भी नहीं है। हम ऐसा क्या करें कि हमें वैसा ईमान नसीब हो? इसके लिए हमेशा हमने बताया कि कुरान को अपनी जिंदगी में ले आए, कुरान तर्जुमे से पढ़े, एक तरतीब से शुरू करें, एंड तक जाएं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर रसूलुल्लाह का कोई खलीफा है, बल्कि अल्लाह का कोई खलीफा है, तो वो कुरान है। पैगंबर दुनिया में अल्लाह के खलीफा होते हैं, और रसूलुल्लाह ने अपनी वफात के बाद उम्मत को कुरान के हवाले किया है, गदीर-ए-खुम पे भी और हज्जतुल वदा पे भी। तो रसूलुल्लाह का खलीफा गोया अल्लाह का खलीफा है।